प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। एस्तर 4 उसकी चौथी आयत। और एस्तर रानी की सहेलियां और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्देकाई के पास वस्त्र भेजा, यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। बकरी के और ऊंट के बालों से बनाया जाता है ये टाट का वस्त्र। इस वस्त्र का रंग काला होता है। दुख के समय पे या शोक संदर्भ में इसको पहना जाता है। मोर्देकाई टाट पहन के राजा की चौखट पे बैठा और दो बातों के संदर्भ में मोर्देकाई को वहाँ से वस्त्र भी मिला। पहले तो उसने तिरस्कार किया, दूसरी बार उसको स्वीकार किया। हामान की चाल जो कि वह उसके सभी लोगों को मार देगा, यह बात जब उसको समझ में आई तब मोर्देकाई ने ये टाट पहना। उसके चाचा की बेटी और रानी एस्तर ने उसको बदलने के लिए कपड़े देके भेजे। वस्त्र बदलने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, ये बात उसको पता थी। उसने सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। दूसरी बार राजा का वस्त्र मोर्देकाई को पहना के हामान लेके आया। जिसने जिसका नाश देखना चाहा उसी व्यक्ति से परमेश्वर ने उसके लिए स्थान और व्यवस्था का इंतजाम करवाया। जो व्यक्ति हमारे लिए गलत सोचेंगे या हमारे बारे में गलत बातें करेंगे, परमेश्वर उन्हीं से उन्हीं के द्वारा हम लोगों के लिए अच्छा कार्य और हमारे लिए अनुग्रह का रास्ता खुलवाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए प्रस्तुति और धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी विषयों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। निधि और न्याय के साथ आप विधि करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जग की रक्षा करने को आए हैं भगवान, देंगे सारी दुनिया को मानव रक्षा दान। निकला है एक तारा, चमकेगा जग ये सारा, संकट वो दूर करेगा।